हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइट ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम जो है आज हम वो सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप उसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनानी है। इस तरीके से हमें दो कर्व लेने हैं। यहाँ पे अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं किडनी। ये हमने बना दी लेफ्ट किडनी। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और अब हम बनाने जा रहे हैं राइट किडनी। ये है राइट किडनी और इसे आप ड्रॉ करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होगी। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक एम शेप के अंदर आपको इस ट्यूब को कंप्लीट करना है।
कुछ अननेसेसरी लाइंस को जो है इरेज करेंगे। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमने जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में जो एक पाइप जैसी जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये है यूरेटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने एक जो है इसका आपने आउटलाइंस जो है इनमें ड्रॉ कर दी है। अब नेक्स्ट अपन जो है इसके अंदर शो करने जा रहे हैं आप एरोटा और वेन्स को। इस तरीके से आप ब्लू में वेन्स को शो करेंगे और इसमें थोड़ा कलरफुल इसे करना है आपको, ब्लू कलर से करना है ताकि हमें जो है वेन्स का कलर ब्लू होता है तो हमें इजीली समझ में आ सके। ये हमारे डायग्राम्स को और इफेक्टिव बनाएगा। और स्टूडेंट्स आप इन डायग्राम की प्रैक्टिस से अपने एग्जाम्स के अंदर जो है जैसे जैसे आप डायग्राम्स बनाते जाएंगे आपकी कंसेप्ट और इसकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत क्लियर होती जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है क्योंकि डायग्राम्स जो है वो विदाउट प्रैक्टिस कभी भी नहीं हो सकते। तो आप इनकी प्रैक्टिस करती रहिए और आपको हमारा वीडियोज जो है ये हेल्प करता रहेगा।
आपने रेड करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है, एक एरेटा और वेन्स को ड्रॉ किया है। तो अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये है लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ये है एरेटा, ये है वेन्स, ये है लेफ्ट यूरेटर, ये है राइट यूरेटर, इंफीरियर वेना कैवा, यूरिनरी ब्लीडिंग। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमने अपना डायग्राम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम कंप्लीट है हमारे सामने। तो यहां पर हमने क्या बनाया है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी जो है एरेटा बनाई है, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो प्योरिफिकेशन के लिए किडनी के अंदर आएगा और उसके बाद में वो प्योर होके जो है वो कहाँ चला जाएगा, वेन्स के थ्रू दोबारा चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जो एक्चुअल में वैसे भी बहुत सिंपल है और आप उसको बहुत जल्दी एग्जाम्स के अंदर जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
इसके आगे हम और भी डायग्राम्स बनाना सीखेंगे और जो थ्योरी के साथ साथ है हम डायग्राम्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।